निगम भिलाई के आयुक्त लोकेश चंद्राकर ने मॉर्निंग विजिट के दौरान वैशाली नगर क्षेत्र अंतर्गत वार्ड क्रमांक 29 वृंदा नगर का सघन निरीक्षण किया। उन्होंने घनी बस्तियों में नाली सफाई देखी और मुख्य नाले की भी सफाई करने के निर्देश दिए। निगम आयुक्त लोकेश चंद्राकर ने मॉर्निंग विजिट के दौरान जल जनित बीमारियों की रोकथाम एवं उपायों की जानकारियां ली। डेंगू नियंत्रण अभियान के तहत घर घर टेमीफॉस बॉटल का वितरण किया जा रहा है। उन्होंने नागरिकों से फीडबैक लेते हुए पूछा कि घरों में टेमीफॉस के बॉटल उपलब्ध हुए हैं भी या कि नहीं, उपलब्ध हुए हैं तो किस प्रकार से हैं, इनका उपयोग डेंगू नियंत्रण के लिए किया जा रहा है, इसकी भी जानकारी उन्होंने मोहल्ले वासियों से ली। उन्होंने स्वास्थ्य विभाग को निर्देश दिए कि घरों में लगे हुए कूलर की सतत जांच करते रहें, पुराने जमा पानी में टेमीफॉस का उपयोग करते हुए पानी को खाली कराएं। वहीं जन जागरूकता चलाते हुए कूलर के पानी को आवश्यकता अनुसार समय समय पर बदलने लोगों को समझाइश देने कहा। उन्होंने गौरव पर सड़क के किनारे अवैध अतिक्रमण को हटाने की कार्रवाई करने के निर्देश दिए। वहीं अवैध अतिक्रमण के चलते सड़क किनारे आवागमन बाधित होता है, राहगीरों को आने जाने में परेशानियां होती रहती है तथा दुर्घटनाओं की संभावनाएं भी बढ़ जाती है, जिसे देखते हुए आयुक्त ने अवैध अतिक्रमण के खिलाफ अभियान चलाकर गौरव पथ से अतिक्रमण हटाने के निर्देश उपस्थित अधिकारियों को दिए। उल्लेखनीय है कि महापौर नीरज पाल ने जल जनित बीमारियों की रोकथाम के लिए विशेष अभियान चलाने के निर्देश अधिकारियों को दिए हुए हैं। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए संतोष शर्मा की रिपोर्ट।